हेलो एवरीवन, सत श्रीकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको बनाना सिखा रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल। उसके लिए सबसे पहले हमें उसका आटा गूंदना पड़ता है उसके रैपर बनाने के लिए। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाली कटोरी। मैंने इतनी एक से थोड़ी कम यानी कि पौनी आटे की ली है, क्योंकि हम चार जाने हैं और वेज स्प्रिंग रोल के जो बॉल्स हैं वो छोटे छोटे बनते हैं, क्योंकि उसके रैपर हैं जो बहुत पतले पतले बनाते हैं। उसके लिए हमें इतना ही आटा बहुत है। इसके अलावा मैं इसमें ये 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी और 1/2 चम्मच ये नमक डाल दूंगी। और फिर मैं इसको पानी के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लूंगी। फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर गूंद लेती हूँ। ये देखिए, हमें आटे को नहीं करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसको ऐसे चिकना कर लिया है। बस इतना सा बहुत है चार लोगों के लिए, क्योंकि ये इसके जो रैपर हैं वो बहुत पतले पतले बनते हैं। ज़्यादा मैदे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही लेना है। ये देखिए, अब मेरा जो मैदा है, ये रैपर का जो डो है वो बन के रेडी है। अब मैं इसको ऐसे ही इस बाउल में ढक के 20 मिनट के लिए रख दूंगी। जब तक हमारा रैपर्स का डो रेडी हो रहा है, तब तक मैं स्प्रिंग रोल के लिए जो वेजिटेबल चाहिए वो मैं काट लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारी वेजिटेबल काट ली है। मैंने ये बंद गोभी ली है 100 ग्राम, एक छोटा आलू लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटो लिया है, एक गाजर ली है और एक शिमला मिर्च ली है। मेरे पास येलो कलर की शिमला मिर्च थी इसलिए मैंने येलो कलर की काटी। आपके पास ग्रीन कलर की है, आप ग्रीन कलर की काट सकते हो। और एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है और इतना सा मैंने 7-8 क्लोव्स हैं ये लहसुन की हैं, और 1/2 इंच का टुकड़ा ये अदरक का है। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें स्प्रिंग रोल में इनका पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे काट के डाल रही हूँ। इसके अलावा ये मैंने 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला लिया है और इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच ये हल्दी डाली है। और ये गार्निश के लिए मैंने धनिया लिया है। अब मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को अभी एक मिनट के लिए गर्म होते देते हैं। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी और इसी के साथ ही अदरक डाल दूँगी। अब पहले मैं इनको लाइट पिंक होने दूँगी। ये देखिए, इसको कम से कम 1-1.5 मिनट ही लगता है, इसको ज़्यादा हमें नहीं करना, सिर्फ लाइट पिंक ही करना है। ये देखिए, हमारा अदरक और लहसुन लाइट पिंक हो चुका है। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी और इसको बेबी पिंक होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए, हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये गाजर डाल दूँगी और इसी के साथ ही ये टमाटर डाल दूँगी और शिमला मिर्च। मेरा गैस का फ्लेम है जो मीडियम है। ये देखिए, बंद गोभी डाल दी मैंने साथ में और इसी के साथ ही ये आलू। मैंने सारी चीज़ें एक साथ इसमें डाल दी हैं। मैं अच्छी तरह इनको मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, अब मैं इनके साथ ही ये जो मसाले मैंने लिए, 1/2 नमक है, 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये सब इसमें मिक्स कर दूँगी। और साथ में ही ये चाट मसाला जो मैंने लिया है 1 चम्मच वो भी ऐड कर दूँगी। अब मैं सब्ज़ी को 10-15 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकने दूँगी, स्लो आंच पे। ये देखिए, हमारी जो सब्ज़ी है वो कुक हो चुकी है, इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। हमें इसे पूरी तरह कुक नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन है उसे ख़त्म करना है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इस पर थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल दूँगी। ये देखिए, इसे भी बीच में मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए, आप इसका कलर देख सकते हो, देखिए कितना अच्छा लगता है। और इसकी स्मेल ये है वो इतनी टेस्टी है आ रही है कि उसी से पता चलता है कि हमारे स्प्रिंग रोल कितने टेस्टी बनने वाले हैं। ये देखिए, अब मैं इसको 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने दूँगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं अपने रैपर बेल के रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा जो रैपर का आटा है वो रेडी हो चुका है। इसे मैं ऐसे ही 1-2 मिनट और नहीं कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह और बन जाए।
इसमें को मैंने इतना ही बहुत है, इतने स्प्रिंग रोल के लिए इतना आटा बहुत है। अब मैं इसके छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, ये देखिए अभी आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए इतने छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे गोले बनाने हैं आपको। ये देखिए मैं सारे गोले बना के पहले रेडी करके इसमें रख लूँगी। ये देखिए हमारे उतने से आटे से ये 16 गोले बन चुके हैं। अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सूखा आटा लगा के ऐसे बेलूंगी। ये देखिए अगर थोड़ा सा चिपता है तो आप और लगा सकते हो, आपको इसको पतला पतला बेलना है बिल्कुल। ये देखिए ये देखिए मैंने इतना सा बेला है, ये देखिए छोटा सा, ये देखिए पूरी से भी कम साइज में बेला है। अब मैं इसको यहाँ पे रखती जाऊंगी और ऐसे ही अपने सारे जो रैपर हैं उन्हें अच्छी तरह बेल लूंगी। ये देखिए हमने अपने सारे रैपर पूरी के साइज में बेल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बाउल लेनी है, उसमें हमें 2 चम्मच ऑयल डालना है। ये देखिए 1 और ये 2, ये थोड़ा सा और, ये 2। अब मैं इसमें ये देखिए ये 1 चम्मच, ये देखिए ये 1 चम्मच मैंने मैदा डाल दिया है, इसमें 1 और डल जाएगा। 2 चम्मच तेल में मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है, ये देखिए। इसका अच्छा सा अपने आप ऐसे घुमा घुमा के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ऐसे आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, ये लीजिए इसको उठाऊँगी और इस पर ये थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए आप देख सकते हो इस पर लगा दिया मैंने। अब मैं इसमें ये दूसरे वाली पूरी ऐसे रख दूँगी, ये देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया, अब इसके ऊपर भी लगा दूँगी। ऐसे जो हमारे रैपर हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं और पतले पतले भी बनते हैं। ये देखिए 1 और इसके ऊपर लगा दूँगी। ये देखिए मैंने 3 पूरी का ये बनाया है। अब पहले मैं ऐसे ही सभी पूड़ियाँ ऐसे ही अपने रेडी कर लूँगी, तीन लगा लगा के। ये देखिए एक और लगा के दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे लगाया मैंने जो मैंने तैयार किया है मिक्सचर मैदा और ऑयल का। ये देखिए इसके ऊपर मैंने ये पूड़ी लगा दी, इसके ऊपर फिर मैं लगाऊँगी, ये देखिए, और फिर मैं इसके ऊपर अपनी एक और पूड़ी ऐसे लगा दूँगी। ऐसे ही मैं सारी पूड़ियों को रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने अपनी सारी पूड़ी ऐसे ही रेडी कर ली है बैटर लगा लगा के। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सूखा आटा लगाऊँगी और फिर अच्छे से यहाँ पे बेल लूँगी। ये देखिए आराम से बेलना आपको, ये देखिए इसको बड़े साइज़ की रोटी के रूप में बेलना है हमें, जितनी बड़ी हम रोटी बना सकते हैं उतनी बेलिए, जितना पतला आप बेल सकते हो। ये देखिए नॉर्मल रोटी से बड़ा बेलना है, ये देखिए ऐसे ऐसे उठा उठा के इसको अच्छी तरह बेल लूँगा। ये देखिए मैंने अपना रैपर अच्छी तरह बेल लिया है, ये देख सकते हो आप मेरा चकला इसके बीच में अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, इतना पतला मैंने बेला है। मैंने तवे को रख दिया था, उसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है मैंने, स्लो गैस रखा हुआ है। ये देखिए अब मैं उठा के इसके ऊपर इसको डाल दूँगी, ये देखिए इसको थोड़ा सा मीडियम करूँगी। ये देखिए ये नीचे से थोड़ा सिक गया है, अब मैं इसको उठा के दूसरी साइड कर लूँगी। आपको ज़्यादा नहीं इसको सेकना, सिर्फ नॉर्मल थोड़ा सा ही, 1 सेकेंड उधर और 1 सेकेंड इधर। ये देखिए आप देख सकते हो उस पर बबल्स आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए ये दूसरी साइड से अच्छी तरह सिक गया है, ये देखिए ये फूलना शुरू हो गया है। अब मैं इसको उठा के नीचे रख लूँगी, ये देखिए आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसको अच्छे से खोल के दिखाती हूँ, आराम से खोलना है क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए हल्का हल्का हल्के हाथों से
आराम से खोलिए। ये देखिए मैंने इसे खोल लिया है, आराम से खोला है, आपको भी आराम से खोलना है। ये देखिए कितना पतला है, मेरा हाथ इसमें अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसे ही खोलना है। इस चाकू की मदद से हल्का हल्का बिल्कुल आराम से खोलना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो ये फट जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हो इसमें से मेरा हाथ अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपको सारे रैपर बना के रेडी करने हैं। ये देखिए अब हमने अपना रैपर रख लिया है, अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ इसके साइड पे ऐसे लगा दूंगी, इससे ये अच्छी तरह चिपक जाएगा। अगर कहीं से खुला खुलेगा तो ये पानी इसको सेट कर देगा। ये देखिए हमें इसके चारों ओर ऐसे फिंगर से अच्छी तरह ये जो पानी है उसे अच्छी तरह लगा देना है। ये देखिए लगा दिया है। अब मैं देखिए स्पून की हेल्प से ये जो स्प्रिंग रोल का मिक्सचर है वो ऐसे इसके यहाँ पे डालूंगी। ये देखिए इतनी जगह मैंने छोड़ दी है, ये देखिए इधर भी इतनी छोड़नी है आपको और इस साइड भी इतनी, इस साइड भी इतनी। ये देखिए कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारे जो स्प्रिंग रोल है वो अच्छी से फोल्ड नहीं होते या कुछ नहीं होते। ये देखिए आपको इसको ऐसे हाथों से भी प्रेस कर सकते हो। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी इस साइड से, ये देखिए ये लगा दिया है मैंने, और इस साइड से ऐसे, ये देखिए ये देख सकते हो आप दोनों तरफ से लगा दिया है। अब इस साइड से मैं उठा के ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी और ऐसे घुमाते हुए ऐसे, ये देखिए ये घुमा दिया है मैंने, और ये थोड़ा सा जैसे यहाँ पे पानी लगा के ये देखिए मैं इसको भी ऐसे अच्छे से घुमा दूँगी। ये देखिए ये हमारी स्प्रिंग रोल, ऐसे मैं सारे अपने स्प्रिंग रोल रेडी कर दूँगी। ये देखिए मैंने अपने सारे स्प्रिंग रोल को फिलिंग भर के रेडी कर लिया है, मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। ये देखिए इसको पूरी तरह हीट कर लिया मैंने, अब मैं इसमें ये अपने स्प्रिंग रोल ऐसे अच्छे से तोड़ दूँ, इनको डीप फ्राई कर लूँ। ये देखिए इनका आकार बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मेरे को जितना अच्छा जितना छोटा है मेरे को इतने पसंद आते हैं तो मैं ऐसा बनाए हैं। आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इसे बड़ा बनाइए, आप इसे छोटा बनाना चाहते हो तो आप छोटा बना सकते हो। ये देखिए अब मैं गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर रखा है क्योंकि पहले मैंने इसको ज़्यादा कर दिया था, अब मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर दूँगी। ये देखिए मैंने अपने सारे स्प्रिंग रोल फ्राई कर लिए हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इनका जो साइज है वो आप देख सकते हो छोटा ही है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं खाना चाहते तो आप इसको काट के भी खा सकते हो। ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको, आप ऐसे एक बड़ा नाइफ ले लीजिए, उससे आप जैसा शेप में इसको काटना चाहते हो वैसे काट सकते हैं। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए मेरे वैसे स्प्रिंग रोल की ये फिलिंग देख लीजिए कितनी अच्छी है, इसकी खुशबू भी ऐसे इतनी अच्छी आ रही है। आपको इसको छोटे पीसेस में काटना है आप छोटे पीसेस में काट सकते हो, ये आपकी इच्छा है, आप बड़े में खाना चाहते हो तो आप बड़े में काट सकते हो। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे वैसे स्प्रिंग रोल रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।